हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग कुछ फ्रेज देखने वाले हैं जो कि बहुत ही कमाल का है। इससे आपका जो पर्सनालिटी है और इंग्लिश स्पीकिंग है जो वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। तो बने रहिए क्लास तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम लोग जब भी नया वीडियोज़ बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए दोस्तों, सबसे दो इंपॉर्टेंट और पॉपुलर वर्ड है प्लीज़ और काइंडली। तो प्लीज़ और काइंडली, ये दोनों का मतलब होता है कृपया। ये दोनों का यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग किसी से कोई चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तब हम लोग प्लीज़ और काइंडली का यूज़ करते हैं। प्लीज़ का इस्तेमाल सिर्फ बोलने के लिए होता है, और काइंडली का इस्तेमाल लिखने के लिए होता है। आपको बोलना है कृपया मेरे लिए एक ग्लास पानी लाइए, तो प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। कृपया दरवाज़ा खोलिए, प्लीज़ ओपन द डोर। कृपया अपना काम करें, प्लीज़ डू योर वर्क। कृपया अपना मुंह साफ रखें, प्लीज़ पुट योर माउथ क्लीन, या कीप योर माउथ क्लीन। इस तरह से हम लोग अपने डेली लाइफ में प्लीज़ और काइंडली का यूज़ कब करेंगे? काइंडली का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हम लोग कोई चीज़ को लिखना है, यानी लिखते वक्त किसी को मैसेज भेजना है, काइंडली हेल्प मी, काइंडली सी द मैसेज, तब हम लोग काइंडली का यूज़ करेंगे। दो देख लिए, और कुछ चीज़ देखते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, छोटे छोटे वर्ड्स आपकी जो पर्सनैलिटी है कमाल का आप चेंजेस लाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको क्या बोलना होगा, अगर कोई आपको हेल्प किया तो आपको क्या बोलना, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर योर फेवर। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, सामने वाला को अच्छा फील होगा और वो दोबारा आपको हेल्प करना चाहिए। छोटे छोटे काम, किसी ने आपको चॉकलेट दिया बोलिए थैंक यू, किसी ने आपका कलम, मान लीजिए कलम आपका फर्श में गिर गया था, उठा दिया था, बोलिए थैंक यू। और गलती से कहीं किसी के साथ कुछ हो जाता है, या मान लीजिए मिस्टेक हो जाता है, तो आप बेझिझक सॉरी बोलिए, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यानी कि सामने वाला छोटा है बड़ा, इससे कोई मतलब, गलती इज गलती, यानी मिस्टेक इज मिस्टेक। तो छोटे छोटे चीज़ को लेकर के आपको पूरे कमिटमेंट आपको होना पड़ेगा, और छोटी छोटी चीज़ को ये मत सोचिएगा सामने वाला क्या सोचेगा। बस आप अपना फर्ज बस निभाते रहिए, अपना काम करते रहिए, और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश को अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करें। अपने डेली लाइफ में इंग्लिश को लइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बात समझ रहे, छोटे छोटे चीज़ जो आप बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलेगा तो आपके माइंड में वो वर्ड आएगा ना, तो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही आसान होगा। बात समझ रहे, जैसे आप बोतल बोल रहे तो बोतल मत बोतल देना, तो बोतल देना नहीं बोला, प्लीज़ गिव बोटल, प्लीज गिव द बोटल। कलम देना, प्लीज गिव द पेन, या कृपया आपका कलम दीजिए, प्लीज गिव मी योर पेन। तो इस तरह से जब आप बोलते हैं तो आपका जो पर्सनालिटी वो कमाल का चेंजेस होता है, कमाल का फीलिंग्स भी होता है आपको, और आपको भी अच्छा लगता है। और इंग्लिश एक कमाल के लैंग्वेज इंप्रेशन जमाने के लिए, तो इससे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, और इसका जो बेनिफिट है वो अनलिमिटेड है। तो इस स्किल को जरूर इंप्रूव करें, ठीक है ना। तो बस बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हम लोग जब भी नया वीडियोस बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव फन इन योर लाइफ, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।